नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग ये हमारी बैटरी वाली साइड पैक ब्रश कटर है और इसको चलाने का प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बैटरी बॉक्स है हमारा, इसमें बैटरी रहता है और यहाँ देखिए एमसीबी लगा हुआ है, कनेक्टर है, अभी ये खुला हुआ है, मोटर में पावर नहीं जाएगी और सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है। सेफ्टी गार्ड लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ब्लेड से आप चलाते हैं कोई चीज लगती है, देखिए 80 दांत वाली ब्लेड लगी हुई है, 80 टीथ, आप 3 टीथ भी लगा सकते हैं और हैंडल वगैरह अपने हिसाब से, हाइट के हिसाब से भाई ने एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे जो है बेल्ट को एडजस्ट करने का एक ये दिया हुआ है कि हाइट के हिसाब से एडजस्ट करें, तो ठीक है इसको चला करके बता देते हैं। ये प्रॉपरली टाइट वगैरह कर लेना है, कनेक्टर कनेक्ट करो, देखिए अब कनेक्टर कनेक्ट हो गया, एमसीबी ऑन करो, देखिए ये कितने रफ्तार में चलती है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, 4000 आरपीएम पे चल रही है और इसको इस तरह से हैंडल करना है, जरा से चला करके बताओ। हाँ, बस इसको इस तरह से आपको स्विवल करना है, घुमाना है और ये आपका जो फसल है या जो भी है कटा जाएगा, फसल के लिए आप क्रॉप सेलेक्टर लगा लेंगे, ऑफ करो। तो देखिए इजी हाथ के अप्रोच तो है एमसीबी, और अगर कहीं कुछ अगर मोटी चीज काट रहे हैं, कभी आपका लगे कि हाँ मोटर जाम हो रहा है या कुछ फंस रहा है, तो आप तुरंत ही एमसीबी से ऑफ कर देंगे, बाकी ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन है, अगर जाम करेंगे थोड़ा ओवरलोड करेंगे तो एमसीबी खुद बखुद ट्रिप हो जाएगी। और इसको कभी भी रखना है, अगर आपका काम हो जाए तो कनेक्टर खोल करके रख देना है, क्योंकि गलती से अगर कुछ ऑन हो गया तो ब्लेड घूम गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। कनेक्टर खोल दो इस तरह से, जो है देखिए कनेक्टर इजीली खुल जाती है, ठीक है, धन्यवाद।